खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं आपको इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिन 8 नवंबर 2021 बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ पुलिस ने बंद फैक्ट्री में हुई लूट और चोरी का खुलासा किया है। आपको बता दें, दिनांक 28/10/2021 को बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में चोरी और लूट की घटना का खुलासा मेरठ एसओजी टीम और खरखौदा पुलिस टीम ने किया है। थाना खरखौदा में अल अयूब नाम की फैक्ट्री है जो बंद पड़ी थी। एसओजी टीम मेरठ ने छानबीन की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल चोरी की इस घटना को पहले फैक्ट्री के गार्ड से उसका लाइसेंसी असला 8 लोगों ने छीना और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी का आधार पूर्व में फैक्ट्री में कार्य करने वाले एक व्यक्ति का नाम सामने आया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अल अयूब फैक्ट्री के गार्ड का लाइसेंस ही असला, साथ ही 4 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। साथ में इन 8 अभियुक्तों के पास से ट्रांसफार्मर तार काटने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार 8 अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। एसपी देहात मेरठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी घटना का खुलासा किया है। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। खरखौदा में 28 तारीख को एक बंद पड़ी फैक्ट्री में चोरी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था 490/21, जिसमें बाद में विवेचना के दौरान ये पता चला कि जो गार्ड है उसको बल प्रयोग करके 5 से अधिक व्यक्ति थे और उसकी जो सिंगल SBBL लाइसेंसी असला था वो भी लेके गए थे। इस के आधार पर 395 धारा बढ़ाई गई। इस घटना का SOG की टीम और स्थानीय थाना की टीम के द्वारा घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका वृहद आपराधिक इतिहास है। इनके पास से जो असला था, लाइसेंसी असला था जो लूटा गया था, वो बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा 4 तमंचे, कारतूस, जिंदा कारतूस और जो ट्रांसफार्मर काटने का जो पूरा सामान होता है वो बरामद किया गया है। एक गाड़ी बरामद की गई है। इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, इसमें कोई फैक्ट्री के कर्मचारी भी लिप्त हैं क्या? इसमें अभी जो काम कर रहे हैं वो लिप्त नहीं है, लेकिन इनसे पूछताछ में एक ऐसे व्यक्ति का नाम आया है जो इसकी बगल की फैक्ट्री में पहले काम करता था, पहले का कर्मचारी था। उसकी मुखबिरी के आधार पर घटना हुई। किसकी फैक्ट्री के अंदर ये घटना का आरंभ किया गया? एक अल अयूब करके फैक्ट्री नाम है, वहां पे घटना कार्य की गई थी। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरे चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर।